ये आप क्या कर रहे हैं इरफान? तुम्हें जाने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मॉम मुझे नए कपड़े दिला देंगी? तो मैं उन पे चाय गिरा दूंगा। प्लीज चाय मत गिराइएगा, रगड़ रगड़ के निकालने पड़ते हैं उसके दाग। टीवी कमर्शियल मुझे दिखाते हैं ना कि वो डिटर्जेंट होता है और साफ हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। काश असल जिंदगी भी इतनी आसान होती जितनी टीवी पे दिखाते हैं। मेरे साथ रहोगी तो जिंदगी आसान ही रहेगी, मत जाओ ना। मॉम ने कहा जाना जरूरी है, खाला बहुत सीरियस है। तुमने तो कहा था खाला झोल के। यार मजाक कर रहा हूँ ना। अच्छा दे तो। इंसा ये रख लो, वहां काम आएगा, वहां की सर्दी में लो। अरे आप तो बहू का बड़ा ख्याल कर रही मामा। खैर मुझे तो हमेशा तुम दोनों का ख्याल रहता है, हमेशा तुम दोनों के लिए दुआएं करती हूँ, लेकिन अब मेरी चीजें तुम्हें नजर ही नहीं आती तो मैं क्या करूँ। हाँ मामा आप हमारा ख्याल रखती, मजाक कर रहा था। आंटी थैंक यू, लेकिन मेरे पास हैं सर्दी के कपड़े। लेकिन ये तो यहाँ की सर्दी के ना, ये वहां काम आएगा। ओके थैंक यू। देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, लेकिन मेरा गिफ्ट तो बनता है ना। हाँ ले आऊंगी 1 किलो चॉकलेट्स उठा के। 2 किलो फ्री नहीं हो ज्यादा। खालिद आप मोना को समझाते क्यों नहीं है? समझा तो मैं तुम्हें भी कभी नहीं सका कि मुझे वॉक करते हुए डिस्टर्ब नहीं किया करो। मोना को बाबर से सुलह कर लेनी चाहिए। जो मोना फैसला करे, मैं तो पहले भी मोना और आयान की वजह से मजबूर हो गया था, पर अब भी जो मोना डिसाइड करेगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आप मोना को क्यों इनकरेज कर रहे हैं? उसे इस फिगर के साथ बाबर से बेहतर हस्बैंड नहीं मिलेगा? हाँ वाकई में बहुत अच्छा है, बाबर बहुत अच्छा है। हाँ उसने अफेयर चलाया, मोना पर इरफान को लेकर शक किया और मोना की कदर नहीं की। गलतियां सबसे हो जाती हैं, इंसान है। हाँ हाँ जी हाँ, गलती तो मुझसे भी हुई कि एक बार फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैं उस शर्मिंदगी की वजह से घर छोड़कर जा रहा हूं जो तुमने मुझे दी। मजाक तो किस्मत ने मेरे साथ किया है, तब उसने तुम जैसी बिडंगी लड़की के साथ मेरी शादी करवाई। इंसान की जो चीजें सबसे पहले नजर आती है ना, वही इसकी सबसे प्रोमिनेंट क्वालिटीज होती है। तुम्हें समझ नहीं आता तो शीशे के आगे जाके खड़ी हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये जानते हुए भी कि मुझे मोटी औरतें नहीं पसंद, क्या तुमने कभी अपने वजन कम करने की कोशिश की मोना? मेरा फर्ज नहीं है कि तुम्हारा शौहर मेरी तरफ आया है, लेकिन यू आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई। तुम फिक्र ना करो, ये मंगनी ज्यादा देर नहीं चलेगी, ना शादी होगी। बाबर को बहुत जल्द एहसास होगा अपनी गलती का, और वो तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे और तुम्हारी कदर भी करेंगे और इज्जत भी। तुम्हें चेंज होना भी नहीं चाहिए, जैसी हो वैसी ठीक। मैंने जो कुछ भी कहा सच्चे दिल से कहा है, आई मीन इट।